दोस्तों, ये आंवले का अचार इंस्टेंट बन जाता है। 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये अचार टेस्ट में बेस्ट है और एकदम सिंपल है। और ये अचार को आप अचार की दुनिया का सबसे हेल्दी अचार बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ आंवले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका बनाने का तरीका, ये अचार हमें काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रखेगा। आंवले को सबसे पहले स्टीम कुक करना है। आंवले अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। आंवले को आप दबाकर देखोगे तो उसकी कलियां आसानी से अलग हो जाएगी। आंवले के बीज को निकाल दें। आंवले ठंडे हो गए हैं। अब सिर्फ 2 मिनट में अपना अचार तैयार हो जाएगा। यह है मेथिया मसाला, या इसे आप अचार का मसाला बोल सकते हो। यह आपको तैयार मिल जाएगा। वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन कभी इसकी भी रेसिपी दिखा दूंगा। देखिए, इस अचार में हेल्दी चीज़ है, वो है आंवला। मसाला जो है वो कम डालोगे तो हेल्थ को फायदा होगा, इसलिए मसाला कम डालिए। मैंने 3 टेबलस्पून डाला है। इसमें स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक डालेंगे, रॉक सॉल्ट। सेंधा नमक आयुर्वेद के हिसाब से सब नमक का राजा है। हो सके तो सेंधा नमक ही डालें। अब बारी है तेल की। तेल डालेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। देखिए, आजकल लोगों को हार्ट की समस्या काफ़ी बढ़ गई है, और ये कच्चा ऑलिव ऑयल थोड़ी मात्रा में खाने से हार्ट को फायदा पहुंचता है। हम 1 सर्विंग स्पून जितना तेल डालेंगे, बस इतना काफ़ी है। अचार को तेल में डुबाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डालेंगे नींबू का रस। करीब करीब 1.5 नींबू का रस डाला है। आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। बस अब सबको अच्छे से मिला लीजिए। हमारा अचार खाने के लिए तैयार है। अब मेरे 2 सजेशन हैं। क्योंकि हमने तेल नमक थोड़े कम डाले हैं, तो अचार को फ्रिज में रखिए। और दूसरा, थोड़ा थोड़ा 10-15 दिनों में बनाकर फ्रेश खाइए। आंवले अब तो लगभग हर सीजन में मिलने लगे हैं। दोस्तों, ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए आप ये अचार खाना पसंद करेंगे या नहीं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे टेस्टी वेस्टी किचन में एक बढ़िया हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ।